तो हेलो गाइस, सबको स्वागत है। मैं न्यू उर्फ। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जेंडरलेस पोकेमोन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक कोलैब वीडियो किया था एक बंदे के साथ, जिनका नाम है पोके इन्फिनिटी एमवे। तो भाई वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते, न्यूज़ कंटेंट है उनका। तो प्लीज़ जाकर सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अभी शुरू करते हैं। और उनका चैनल का लिंक और उनका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, नंबर 10 पे है रेजी किकस, रेजी आइस, रेजी स्टील, रेजी रॉक। अभी ये इतना नीचे क्यों है? क्योंकि ये मुझे इतना खास लगते हैं नहीं, और इनका पावर भी इतना ज़्यादा है नहीं। मेरा ओपिनियन है भाई ये। और भाई लोग, मेरे को इसलिए मैंने इसको इतने नीचे रखा है। वैसे तो ये भी बहुत पावरफुल पोकेमोन। तो नंबर 10 पे आता है रेजी किकस। तो भाई लोग, नंबर 9 पे है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई से मेरा ये मतलब है कि जर्नियस और ये वल्टाल। मैंने इनको इतने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इससे भी ऊपर और भी अच्छे अच्छे हैं, इससे भी पावरफुल है, इसलिए मैंने इनको इतने नीचे रखा। तो भाई लोग, इसलिए ये इतने नीचे। नंबर 8 पे है एटरनेटस है। नंबर 8 पे एटरनेटस इसलिए आता है क्योंकि इससे भी पावरफुल पोकेमोन है हमारे लिस्ट में। तो भाई लोग, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नंबर 8 पे आता है एटरनेटस। तो भाई लोग, नंबर 7 पे आता है सोलगैलियो। सोलगैलियो मेरा बहुत फेवरेट पोकेमोन है क्योंकि भाई ये दिखने में भी एकदम ओपी है, और भाई बहुत अच्छा लुक भी है इसका, और भाई और ये पावरफुल भी है, इसलिए नंबर 7 पे आता है सोलगैलियो। तो भाई लोग, इसलिए सोलगैलियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और ये इसका लुक तो भाई बहुत ही ओपी है, इसलिए ये आता है नंबर 7 पे। भाई लोग, नंबर 6 है लुगिया और हो। तो भाई लोग, लुगिया और हो है हमारे नंबर 6 में, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, और इसलिए ये आते हैं नंबर 6 पे। तो भाई लोग, नंबर 5 में आता है डिओक्सिस। और भाई लोग, डिओक्सिस बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, लेकिन नंबर 5 में मैंने इसलिए इनको इसके इसमें रखा है क्योंकि इससे भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन इसके ऊपर में है। तो इसलिए भाई लोग, नंबर 5 में आता है डिओक्सिस। तो भाई लोग, नंबर 4 पे है ग्रोडाउन और कायोग्रे। भाई लोग, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, इसलिए इनको इतने ऊपर रखा है। तो भाई लोग, नंबर 4 पे है ग्रोडाउन और कायोग्रे। तो भाई लोग, नंबर 3 पे है रेक्वाजा। तो भाई लोग, रेक्वाजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, इसलिए रेक्वाजा को मैंने नंबर 3 पे रखा है। इसलिए भाई साहब, नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है रेक्वाजा। तो भाई लोग, नंबर 2 पे है क्रिएशन ट्रायो, मतलब डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना। तो भाई लोग, ये नंबर 2 पे इसलिए आ गए क्योंकि सबको ही पता है कितना ज़्यादा पावरफुल है ये लोग। तो भाई लोग, इसलिए ये आते हैं नंबर 2 पे। तो भाई लोग, नंबर 1 पे कौन आएगा ये सबको ही पता है, क्योंकि नंबर 1 पे आने वाला है आर्शियस। यस, नंबर 1 है आर्शियस। आर्शियस है गॉड पोकेमोन, तो भाई गॉड पोकेमोन है तो वो नंबर 1 पे ही आएगा ना। तो भाई लोग, नंबर 1 पे है आर्शियस। तो भाई लोग, आज का हमारा वीडियो यहाँ ही ख़त्म होता है, क्योंकि ये था टॉप 10 जेंडरलेस पोकेमोन। तो भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई लोग पोके इन्फिनिटी एमवी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बाय बाय गाइस।